वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। IOCL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था ITI स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर, ऑल इंडिया बेसिस जॉब था। 27 मार्च 2022 रिटर्न एग्जाम कंडक्ट हो गया था। उसके बाद जो SSPT था वो भी कंडक्ट हुआ था, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि उनका सिलेक्शन किस लिए नहीं हुआ है। तो इसके लिए कुछ स्टूडेंट जो मेरा ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का और चैनल का जो ग्रुप का जो स्टूडेंट है, इन्होंने अप्लाई RTI किया था। इसमें एक स्टूडेंट का जो RTI किया था उनका RTI रिजल्ट आया है। स्टूडेंट मेरे को बोला है कि सर आप थोड़ा ये वीडियो बना के दे दीजिए ताकि सबको पता चले कितना कट ऑफ जाता है IOCL में। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपका सामने दे रहा हूँ कि ताकि आपको अगले एग्जाम के लिए, जो नेक्स्ट IOCL के एग्जाम होगा, उसके लिए आपको बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि आपको अंदाजा लगे कि कितना कट ऑफ जाता है। तो इसके लिए आपको ये कट ऑफ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। देखिए, ये जो मेरा स्टूडेंट था, फादर का नाम ये देखिए, और इनका एड्रेस मैं थोड़ा हाइड कर दिया है। देखिए, इनका 28 जून 2022 ये उनका RTI रिप्लाई आया था। देखिए, यहाँ पे लिखा गया, डियर सर, दिस हैज़ रेफरेंस टू योर RTI एप्लीकेशन। उनका एप्लीकेशन नंबर जो उन्होंने किया था 13 मई 2022, रिसीव्ड एट आवर ऑफिस ऑन ये 13 जून 2022, उन्होंने रिसीव किया, ये लिखा है। देखिए, इन दिस रिगार्ड द इंफॉर्मेशन शॉट पार्टनिंग टू रिक्रूटमेंट इज फार्निश्ड बिलो। जो उन्होंने रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट पूछा था, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसके अगेंस्ट में जो रिप्लाई दिया है, देखिए क्वायरी यहाँ पर दिया गया है। जो मेरा स्टूडेंट जो पूछा था, देखिए इसमें उनका टोटल दिया गया, आई वॉन्ट टू नो द इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसके बाद उनका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो था ये दे दिया, और इसके ये जो था ये रीजन ERPL बिहार के लिए था। पोस्ट नेम टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड वन का, उनका टोटल उनका नाम यहाँ पे था, रोल नंबर यहाँ पे दे दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे दे दिया था। उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कैटेगरी जो क्या था, उसका जो आंसर था, देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया, फाइनल कट ऑफ फॉर UR 74, SC के लिए 70, OBC के लिए 81, OBC एक्स सर्विसमैन के लिए 61, एंड EWS के लिए 69A का कटअप था। क्वेश्चन नंबर टू था, हाउ मेनी मार्क्स डिड आई ऑब्टेंड इन रिटर्न एग्जाम, जो एग्जाम 27/3/2022 कंडक्ट हुआ था। देखिए यहाँ पे उन्होंने टोटल दिया, उनका रोल नंबर भी दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया, तो उसका अगेंस्ट में जो आंसर दिया, देखिए आंसर टू क्वायरी टू यहाँ पे देखिए, मार्क्स कोड रोल नंबर, ए जो रोल नंबर है इसके हिसाब से उन्होंने स्कोर किया था 66, उन्होंने 66 को स्कोर किया था, उन्होंने 66 देखिए यहाँ पे 66 स्कोर किया था, और उनका जो कैटेगरी था ये SC था, जिसमें उनका चार नंबर शॉर्ट रह गया। देखिए उनका क्वायरी नंबर थ्री में देखिए, हाउ मेनी मार्क्स आई डिड आई ऑब्टेन इन SPPT एग्जाम, तो उन्होंने पूछा और उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे आंसर टू क्वायरी थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर, SPPT इज क्वालिफाइड नेचर, हाउएवर यू आर फाउंड फिट, उन्होंने फिट था, सिर्फ चार नंबर का वजह से उनका ये नौकरी छूट गया, सब कुछ हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए उनको मैं बोला, मोटिवेट किया कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप रेडी रहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेरी फोर में था, व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट इंक्लूडिंग मी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इसका तो फाइनल आप समझ ही सकते हैं कि उनका टोटल नंबर 66 हुआ, और उनका कैटेगरीज SC वाइज उनका कट ऑफ जो गया 70 था, ये चार नंबर का वजह से उनको सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ, बाकी उनका सब राइट। ये था इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।